एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक बहजोई में स्थित मिर्जापुर नजरुल्लापुर गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 4 किलोमीटर है तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 8 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने आसिया बेगम को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 6,500 की आबादी एवं 4,200 वोटरों वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। गाँव में 832 राशन कार्ड धारक लाभार्थी है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गाँव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 500 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 42 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 10 हैंडपंप रिपोर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 250 विद्युत पोल, 11 विद्युत ट्रांसफार्मर, 100 स्ट्रीट लाइट व 18 सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 7 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 60 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 19 आवासों का भी निर्माण कराया गया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने सीसी टाइल्स रोड, खडंजा पानी निकासी के लिए नाला, पंचायत घर, पानी की टंकी, बारात घर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधानपति मिर्जापुर एवं जिला पंचायत सदस्य मिलाक बहजोई जिला संबल से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ सड़कों की समस्या बहुत थी, उसमें कुछ सड़कें बनवाई गई हैं, 15-20 सड़कें बनवा चुके हैं, अभी सड़कों की समस्या बहुत बाकी है। 80-90 सड़कें अभी बननी जरूरी है जिनमें पानी भर जाता है, सड़कें टूटी हैं, गड्ढे हैं, और बिजली की अभी समस्या बाकी है। बिजली में 75% काम हो चुका है, 25% काम बहुत ज़रूरी रह गया है। जो लोगों ने कनेक्शन भी करा लिए हैं और वहाँ तक बिजली नहीं पहुँच रही है, 25% काम बाकी है। और हमारे पंचायत घर नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है, रात घर बहुत ज़रूरी है, गाँव में बहुत बड़ी दिक्कत रहती है, और पानी की टंकी की बहुत ज़रूरत है। गांव में कुछ समस्याएं और भी बाकी हैं सड़कों की, और आवास, प्रधानमंत्री आवास भी अभी बनने ज़रूरी है, कुछ कच्चे मकान बहुत हैं, और हमने लैटिन 600 लैटिन बन गई हैं गांव के अंदर। आवास बन चुके हैं। सरकार ज्यादा से ज्यादा, बड़ा गांव है इसलिए इसमें अभी काम बहुत बाकी है। सरकार से ज्यादातर यही वो प्रार्थना हमारी जो हमारे गांव की, सरकार से अनुरोध है कि हमारी गांव की समस्याओं का समाधान करने के लिए खाते में धन डलवाएं, और जो भी सरकार से धन आया था वो हम लगा चुके हैं।